मार्च के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा। 1 मार्च से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए। पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को झटका देते हुए रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। 14.2 किलोग्राम वाले एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें लखनऊ में सिलेंडर 1090.50 रुपए की जगह 1140.50 रुपए का मिलेगा। बीते एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की बात करें तो इसमें कुल 5 बार बदलाव हुए हैं। इतना ही नहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350.50 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके अलावा 5 किलो वाला सिलेंडर 18 रुपए महंगा किया गया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा के विधायक मनोज पांडे ने गैस के बड़े दाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। कमजोर और मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, आज उनके लिए बड़ा संकट है। रोटी का, दाल की कटोरी तो पहले ही उस सरकार में थाली से गायब हो गई थी, सब्जी की कटोरी भी गायब कर दिया। ये कब मिट्टी में मिलेगी महंगाई? तो बसपा ने भी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर सरकार की आलोचना की है। गरीब के लिए जो आपने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इतना कनेक्शन दिया है, तो उनके लिए तो कम से कम आप जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है साल में 6 सिलेंडर तो उनको दिया करिए कम से कम। जून 2020 से एलपीजी सिलेंडर पर ज्यादातर लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही। अब केवल उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें सिलेंडर दिए गए हैं उन्हें 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। और देखिए, सिलेंडर ही नहीं बल्कि यूपी में तो इस बार बिजली उपभोक्ताओं को भी करंट लगने वाला है। दरअसल बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब आयोग को इस पर फैसला लेना है। इस फैसले पर अप्रैल से आम जनता के बीच सुनवाई होगी, तब जाकर मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक नई दरों के ऐलान की तैयारी है। सभी प्रक्रियाओं के बाद आयोग निर्णय लेगा कि बिजली दर में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। बिजली कंपनियों की तरफ से विद्युत नियामक आयोग को घरेलू बिजली की दरों में 18 से 23 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। इसी तरह उद्योग में 16, वाणिज्य में 12, कृषि में 10 से 12 और बीपीएल श्रेणी में 1 फीसदी तक की बढ़ोतरी की बात की गई है। महंगाई की इस मार पर सपा ने सरकार पर प्रहार किया है। बिजली पर 23% बढ़ा करके पूरी जनता को तबाह करने का काम किया है। अभी तो ये बढ़ाया है इन्होंने, अब जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब फिर घटाएंगे। हालांकि इस बार होली के त्योहार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि होली के अवसर पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक अद्वितीय रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। योगी ने मुख्यमंत्री के पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। सीएम योगी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव सीएम योगी के आसपास भी नहीं दिखाई पड़ते। सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है। योगी ने मुख्यमंत्री के पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। योगी आदित्यनाथ 5 साल 347 दिन और अब तक सीएम है। डॉक्टर संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन तक सीएम रहे। अखिलेश यादव 5 साल 4 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। मायावती 4 साल 307 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रही। मुलायम सिंह यादव 3 साल 257 दिन तक सीएम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक लगातार रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। योगी आदित्यनाथ मिथक तोड़ने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो सीएम नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। योगी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 6 साल में 25 बार से ज्यादा नोएडा गए हैं। पूरे देश में ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिए जाने की वजह से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का मुहिम ये तो साकार हो ही रही है। डिजिटल पेमेंट की वजह से उनसे संसदीय क्षेत्र का नाम भी टॉप पर चल रहा है। दरअसल डिजिटल लेन देन पर फोकस करने के बाद वाराणसी में आज हर जगह लेन देन ऑनलाइन हो रहा है। इस वजह से काशी का लगभग हर व्यापारी QR के माध्यम से डिजिटल पेमेंट ले रहा है और यही वजह है कि इस मुहिम ने बनारस को उत्तर प्रदेश में डिजिटल पेमेंट लेने में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। नई पीढ़ी डिजिटल क्या हुई, काशी के स्ट्रीट वेंडर्स भी हाईटेक हो गए हैं। 2 रुपए का सामान लेने वालों से भी सीधे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आम हो या खास, सभी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। वाराणसी प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत व्यवसायियों को बैंकों से जोड़कर उनको ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के बारे में जानकारी दी जा रही है। लगभग 32,000 लोग इस योजना में मार्च 22 तक लाभान्वित हुए थे, उसके बाद 36,000 लोग हो गए थे और पिछले वर्ष लगभग 15,000 लोग इसमें डिजिटल पेमेंट करते थे, अब बढ़ के लगभग 30,000 लोग इसमें डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। शहर के 90% छोटे दुकानदार हुए हाईटेक।
काशी में 28,000 छोटे व्यापारियों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन अपनाया है, जिन्होंने पिछले 20 महीने में 2,50,00,000 का डिजिटल लेन देन किया है। शहर में युवाओं के डिजिटल होने के साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स ने भी डिजिटलाइजेशन होकर नया रिकॉर्ड बनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।